हेलो एवरीवन टुडे वी आर कमिंग बैक विथ अवर लेक्चर नंबर नाइन ऑफ दिस सीरीज़ ओके तो हमने एट थे टू फाइव का सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हम ऐट टू फाइव है अभी देख रहे हैं इसमें लेक्चर नाइन है हमारा दैट इज़ अबाउट द इंटरफेसिंग कीबोर्ड एंड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले लास्ट टाइम ही हमने स्टार्ट किया था लेक्चर एट में ये अब तो इसमें का हमें देखना है खाली की डिबाउंस हमें देखना है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले और मेन प्रोग्राम वो सब देखना है यहाँ पर एक्चुअल में प्रोग्रामिंग यहाँ पे होगा ओके लास्ट टाइम हमने सिर्फ की बोर्ड के लिए देखा था ओके okay, अभी हमें उसके आगे के कंपोनेंट्स के लिए भी देखना है सो नाउ आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अबाउट द की डिबाउंस तो डिबाउंस एक्चुअल में यूज़ क्यों होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट इज देखो क्या है मैकेनिकल पुश बटन की इज प्रेस्ड मीनस हमारी जो जो की रहती है ऐसे जो सिंबल से बनाया गया है देखो ये यह, यहाँ पे जो बनाया गया है ये की है हमारी ओके okay? तो ये की जब प्रेस होती है वो मेटल कॉन्टैक्ट्स ऑफ द की मोमेंटरीली बाउंस ओके देखो क्या है द मेटल कॉन्टेक्ट्स ऑफ द की मोमेंटरीली बाउंस बिफोर गिविंग ए स्टडी स्टेट रीडिंग मतलब क्या होता है इसमें बीच में, में ये जो है की अभी देखो ये यह, यहाँ पे है ज़ीरो लेवल पे एकदम से वो डच हो जाएगी अभी उसको हाई मिल रहा है ओके यहाँ से हाई मिल रहा है आउटपुट में पॉजिटिव मिल रहा है जैसे ये यह की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी मतलब यहाँ पे पूरा ऐसा लाइन बन जाएगी तो वो टाइम पे क्या बन जाएगा यहाँ पे ग्राउंडेड हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा मतलब लॉजिक वन से लॉजिक जीरो हो जाएगा लेकिन इसके बीच में, में मेटल कॉन्टेक्ट की वजह से यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं ओके जो हमें की प्रेस मिलने वाला है वहाँ पर कुछ वाइब्रेशन हो जाते हैं मन्स अप डाउन अप डाउन ऐसे वाइब्रेशन ओके तो तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते देखो यहाँ पे ये यह हमारा लॉजिक वन है ये लॉजिक वन रहेगा जब भी की प्रेस नहीं की होगी तभी और जैसे की प्रेस करने जाएंगे तो वो कैसे जाएगा देखो इस तरह के यहाँ पे की प्रेस के टाइम पे ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे ओके ऐसे वाइब्रेशंस के को हमें रोकना पड़ेगा ओके लॉजिक जीरो और जब लॉजिक जीरो जीर। से लॉजिक वन में भी हम लोग जब ट्रांसफर करेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर भी ऐसे ही होगा ओके ऐसे यहाँ पर बीच में एरर जैसा क्रिएट हो जाता है ओके okay, ये एक्चुअल में वाइब्रेशन से ओके okay, तो ये बीच में आ जाता है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है ओके okay, लॉजिक एक जगह पर जीरो एक जगह पर जीरो से जाता है इससे कम ओके okay, वैसा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस पार्ट को यहाँ पर निगलेक्ट करना पड़ेगा ओके okay, यहाँ से निकालना पड़ेगा तो ये पार्ट हमको निकालने के लिए हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी ओके okay, तो वो कैसे करेंगे उस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया की डिबाउंस टेक्निक उसी को नाम दिया गया की डिबाउस टेक्निक बोला है यूजिंग आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐसे ओके हार्डवेयर से भी होता है और सॉफ्टवेयर से भी होता है वो एक सर्किट है ओके की डिबाउंस सर्किट बोलते हैं उसको वो हम लोग यहाँ पे पहले तो सर्किट दिखाएंगे उसके बाद उसके अंदर हमने क्या प्रोग्रामिंग किया वो भी उस, उसमें देखेंगे ओके मीनस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का भी यूज करके हम लोग यहाँ पे की डिबाउंस बताएंगे ओके नेक्स्ट है की डिबाउंस सर्किट ओके तो ये है हमारा की डिबाउंस सर्किट ओके okay. तो यहाँ पे देखो इस सर्किट में क्या क्या यूज़ किया है एक तो नैंड गेट है देन यहाँ पे भी एक नैंड गेट है ओके जी वन जी टू नाम दिया गया है दोनों के इनपुट है ए वन ए टू और इसका इनपुट है बी वन बी टू आउटपुट है ओ वन और यहाँ पर आउटपुट है ओ टू ओके एक फर्स्ट का गया है इनपुट पोर्ट पे मीन जहाँ पे हमें वो डिपाउंस देना है वहाँ पे जाएगा वो इनपुट पोर्ट के लिए ओके okay. और अभी ये कनेक्टेड देखो कैसे है ये इसके साथ शॉर्ट किया हुआ है ओके okay, और यहाँ पे देखो प्लस फाइव ओल्ट यहाँ पर रजिस्टर्स के साथ टेन के रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड के होंगे एंड दे यहाँ पे हमारी की है ये की में देखो तीन पॉइंट्स है तो तीन पॉइंट्स में से एक ग्राउंडेड रहता है देखो बीच का है वो ग्राउंडेड दे दिया है और एक जो रहेगा वो दोनों की तरफ जाएगा मतलब कभी ए जाएगा कभी बी जाएगा ओके okay, यहाँ पे इसलिए वो जो पार्ट था या इसे जो हमने देखा कि यहीं से जाने के बाद यहाँ बीच में ऐसे कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे थे ओके यहाँ पे ऐसे ऐसे फिर स्ट्रेट आ रहा था फिर वाइब्रेशंस तो वो क्या करेगा वो ये बीच वाला पार्ट डिलीट मार देगा ओके इसको निकाल ही देगा वो उसको रिमूव करेगा उसमें से ये हमारा डिबाउंड सर्किट का काम है ओके इसमें से ठीक है क्योंकि वो क्या होता है सेकेंड जो पार्ट है वो इसके वजह से आ रहा है ओके तो वो उस उस टाइम पे उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा ओके इसलिए वो निकल जाए पूरा का पूरा पार्ट ओके तो इस तरह से हम वो एरर इसमें से रिमूव कर सकते हैं ओके okay. तो ये एक्चुअल में की डिबाउंस सर्किट मतलब क्या है जो हमारे रीडिंग्स में हमें एरर मिल सकता है जस्ट बिकॉज की की प्रेस करने की वजह से एरर आ रहे ओके मेटल कॉन्टेक्ट्स में आने के बाद वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होते तो उसकी वजह से वो एरर आ रहे हैं तो एरर रिमूव करने का, का काम कौन कर रहा है हमारा डिबाउंस सर्किट कर रहा है ओके okay. तो ये देखते कि कैसे कैसे है तो फर्स्ट देखो क्या है ले इन दिस सर्किट द आउटपुट्स ऑफ नाइन गेट्स डू नॉट चेंज इवन इफ द की इज़ रिलीज फ्रॉम पोजिशन ए वन ओके तो मतलब क्या है नाइन गेट का जो आउटपुट इसमें से आने वाला है वो चेंज नहीं होगा भले ही हमने ए वन से उसका पोजिशन चेंज क्यों ना कर दिया या अभी ए वन में ए वन से अगर बी वन भी किया तो भी वो चेंज नहीं होगा ऐसा है इसका मेन फीचर है देन द आउटपुट्स चेंज वन द की मेक्स ए कॉन्टेक्ट विथ पोजिशन बी वन ओके जब बी वन पे आएगा तभी वो चेंज हो जाएगा देन वेन द की इज़ कनेक्टेड टू ए वन ए वन गोज लो ओके तो जैसे ही ए वन पे कनेक्ट होगा तो क्या होगा यहाँ पे ग्राउंडेड ग्राउंड कनेक्टेड है तो इसलिए क्या हो जाएगा वो पूरा का पूरा लो हो जाए इफ वन ऑफ द इनपुट टू गेट जी वन इज लो तो यहाँ पे देखो जी वन के लिए जो एक आउटपुट दिया है वो अगर लो होगा द आउटपुट जीरो वन बिकम्स वन ओके अगर एक भी अगर नाइन गेट का कैसा रहता है अगर कोई भी आउटपुट अगर वन है ओके नाइन गेट का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा ए बी बार ऐसे बारे लगा तो कोई भी आउटपुट अगर उसमें का वन रहेगा ओके तो उसके बाद वो उसको चेंज कर देगा ओके उसके फॉर्म में ओके एक अगर वन भी रहेगा तो भी नेक्स्ट हमें वन मिल सकता है ओके देन क्या होगा नेक्स्ट क्या है हमारा और एक बीट बिकॉज लाइन बी वन इज़ ऑलरेडी हाई देखा मैं उसके मीनिंग क्या है कि बी वन ऑलरेडी हाई है बी वन फिक्स है बी वन क्या होगा हमारा वन ही है और ए वन हमने अभी दिया है अगर ज़ीरो भी मिल जाता है तो भी हमें वहाँ पे इसमें नैंड के आगे हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है वन ही मिलेगा क्यों क्योंकि नैंड का फॉर्मूला क्या है ए बी बार है ओके बी वन तो फिक्स है वो क्या होने वाला है हमारा बी वन होगा वन तो वन होने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे ये भी वन फिक्स ही है और ये जीरो है, तो यहाँ पे जीरो इंटू वन हो जाएगा ओके तो इस तरह से ये आगे आगे जाएगा ओके जीरो, तो जीरो फिर उसके बाद वो उसका कॉम्प्लीमेंट लेगा तो वो वन ही हो जाएगा इसलिए अब इसने बोला है कि इफ़ वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ गेट जीवन इज लो मतलब एक इनपुट भले ही लो क्यों ना है तो भी आउटपुट में उसको वन ही मिलेगा ओके देन नेक्स्ट क्या है बिकॉज लाइन बी वन इज ऑलरेडी हाई द आउटपुट ऑफ जीरो टू गोज लो विच मेक्स ए टू लो देन क्या नेक्स्ट क्या है वेन द की कनेक्शन इज रिलीज फ्रॉम ए वन अगर की है वो अगर ए वन से अगर रिलीज करते हैं हम लोग इट गोज़ हाई वो हाई में चली जाएगी और फिर क्या हो जाएगा उसके बाद वो बिकॉज ए टू इज़ लो क्योंकि वो टाइम पे ए टू लो रहेगा द आउटपुट डजेंट चेंज वेन द की मेक्स कॉन्टेक्ट विद बी वन द आउटपुट चेंज ओके जब वो की बी वन के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी तो आउटपुट चेंज हो जाएगा ओके okay. इस तरह से हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर इसमें ही करेंगे तो ये टाइम पे हमारे क्या हो जाएंगे जो बीच के कॉन्टेक्ट है वो निकल जाएंगे और सिर्फ हमें ना पर्टिकुलर जितने खाली हाई लो हाई लो वाले कॉन्टेक्ट हैं ना उतने ही मिलेंगे इसमें तो वो फायदा था यहाँ पे की डिबाउंस की ये बीच के कुछ नहीं दिखेंगे सिर्फ ये घास जाएगा हाई पे जाएगा फिर उसके बाद डायरेक्ट लो पे आ जाएगा फिर उसके बाद हाई पे आएगा ये बीच के जो है उसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर देगा की डिबॉन्सर की दिन क्या है दिस मीन्स वेन द की गोज फ्रॉम वन कॉन्टैक्ट प्लस फाइव वोल्ट टू अनदर कॉन्टैक्ट ग्राउंड द आउटपुट डज नॉट चेंज डरिंग द ट्रांजिशन पीरियड थर्स एलिमिनेटिंग मल्टीपल रीडिंग्स ओके तो इसलिए वो मल्टीपल रीडिंग्स आने से वो बच रहा है ओके okay. इसलिए क्या है कि वन कॉन्टेक्ट टू अनदर कॉन्टेक्ट करने के टाइम पे वो ज़्यादा जो ट्रांजिशन हो गए उससे टाइम मल्टीपल रीडिंग आ सकते थे वो सब उसमें से एलिनेट हो जाएंगे ओके सो ये दैट्स द मेन यूज ऑफ द की डिबॉन्स सर्किट ओके देन नेक्स्ट देखते हैं अभी डिबॉन्स सब रूटीन तो देखो ये हमने की डिबॉन्स सर्किट तो बना लिया ओके हार्डवेयर की तरह लेकिन अभी हमें इसको सब इसको सॉफ्टवेयर की तरह भी यूज़ करना है मतलब हमें इसका प्रोग्रामिंग लिखना है तो प्रोग्रामिंग कैसे रहेगा देखो डिबॉन्स का इसमें क्या है इन द सॉफ्टवेयर टेक्निक वेन अ की क्लोजर इज फाउंड द माइक्रो प्रोसेसर वेट्स फॉर टेन टू ट्वेंटी मिली सेकंड बिफोर इट एक्सेप्ट द की एज एन इनपुट मतलब जब हम लोग की प्रेस करेंगे तो माइक्रोपोसेसर को टेन टू ट्वेंटी मिली सेकंड के लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा हमने उतना डेले रूटीन दिया हुआ उसको डिबॉन्स का ओके okay. डिबाउंस का उतना डिले ट्वेंटी मिले सेकेंड का उसके बाद ही उसको वो रीडिंग मिलेगा ऑन या ऑफ जीरो या वन ऐसा कुछ ना कुछ हाई और लो ऐसे कुछ तो एक इनपुट मिलेगा ओके okay. डिबाउंस के थ्रू डिबाउंस के थ्रू आउटपुट वैसे आ सकता है लेकिन द डिले काउंट शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दी सिस्टम फ्रीक्वेंसी ओके डिले काउंट है वो सिस्टम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आएगी देन दिस डज नॉट डिस्ट्रॉय एनी रजिस्टर कंटेंट ओके ये किसी भी तरह का रजिस्टर कंटेंट को ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा एंड इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए डिबॉस के लिए ओके देन नेक्स्ट देखो क्या क्या है यहाँ पे सब रूटीन में लिखा हुआ है सब रूटीन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा तो इसमें पहले इन्होंने इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है पुश बी ओके okay. ये पुश इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ किया है रजिस्टर बी के लिए तो क्योंकि रजिस्टर बी में इनको वो कंटेंट सेव करना है इसलिए देन क्या लिया है पुश पी एस डब्ल्यू ओके फिर उसमें से वो रजिस्टर बी में से कंटेंट ले लेगा देन उसने क्या किया लोड किया हुआ है एच एल पेयर को एल एक्स आई बी विथ रजिस्टर बी रजिस्टर बी के इसमें एच एल पेयर एल एक्स आई बी लिखा हुआ है बी मीन्स क्या होगा बी और बी सी बी सी पेयर को वो वहाँ पे ये कर देगा बी सी पेयर को लोड कर देगा उसमें आगे आगे लिखा है काउंट दैट इज द उसने वहाँ पे काउंटर क्रिएट कर दिया ओके okay, फिर क्या किया उसने उसी को ये जो रजिस्टर पेयर था बी सी उसको फिर उसने डिक्रीमेंट किया नेक्स्ट काउंट के लिए देन क्या होगा फिर अगेन उसने सी टू ए किया मीन्स जो हमारा काउंटर था उसमें जो क, क, सी में जो तो, कंटेंट था वो हमने एकटर में भेज दिया देन अगेन सी में जो कंटेंट था वो एक्टर में इसका मतलब क्या हो गया जो हमारा हायर डिजिटल था उसको हमने उसमें डाल दिया देन हमारा क्या आ जाएगा सी टू ए हो गया नेक्स्ट है ओ आर ए बी मीन्स क्या होगा और और ऑपरेशन करेगा ए एंड बी के बीच में देन क्या हो जाएगा उसके जेड फ्लैग आ जाएगा ओके बी बी सी इक्वल टू ज़ीरो अगर बी सी ज़ीरो है तो फिर क्या वहाँ पे जेड फ्लैग आ जाएगा मीन्स मीन्स क्या होगा वो ज़ीरो है ऐसा बता देगा वहाँ से ओके okay. और अगर यहाँ पे देखो अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो वो वापस डिक्रीमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा मीन्स बी सी को डिक्रीमेंट करेगा फिर अगेन उसको ए में मूव करेगा सी को और वापस ऐसे ऐसे चालू रहेगा प्रोसेस अगर बट अगर ज़ीरो आ गया ज़ीरो आ गया तो क्या करेगा वो पॉप का चालू कर देगा ओके मीन्स फुल उसके अंदर डेटा ये कर देगा स्टोर रजिस्टर कंटेंट तो कंटेंट को वहाँ पर स्टोर करके करने का, का काम कर देगा ओके फिर उसके बाद पॉप बी सी कर देगा बी सी के कंटेंट को भी वो स्टोर स्टोरिंग कर देगा ओके okay, और इसी तरह से वो रिटर्न हो जाएगा इस तरह से ये डिबाउंस का पूरा सर्किट क्रिएट हो रहा है मीन्स वहाँ पे जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता कंप्लीट ओके okay, यहाँ पे बीसी का बीसी में जो हम कंटेंट डालेंगे वो वो ज़ीरो नहीं होता इसका मतलब वो बीच में एरर्स कम नहीं होते ओके okay, जब तक तो कुछ ना कुछ एरर से एरर से और पूरे निकल जाएंगे तो उसके बाद वो जीरो हो जाएगा तो उसके बाद वो आगे आगे प्रोसेस करेगा इस तरह से वो डिबाउंस सर्किट वर्क करेगा देन नेक्स्ट देखते हैं इंटरफेसिंग कीबोर्ड एंड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम ऑलरेडी हमने स्टडी कर दिया है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि आगे के सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे इसमें यूज होगा वो क्या यूज़ होने वाला है हमें आगे स्टडी करना है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले हमने की पार्ट तो स्टडी कर लिया ये ओके इसके साथ ये कनेक्टेड था पोर्ट ए के साथ अभी पोर्ट बी के साथ देखो क्या कनेक्टेड है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले है ठीक है उसके पहले और के चीज़ है सेवन फोर एल एस टू फोर फोर ये एक्चुअल में ड्राइवर है जो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका करंट कैपेसिटी ज़्यादा है ओके इसको हम लोग आगे देखेंगे ठीक है तो ये इसलिए ये डायग्राम यहाँ पे मैंने यूज़ किया है देखो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले इस तरह से रहता है ओके okay. इसमें ये एल रहेंगे ओके okay. टोटल कुछ सेवन टू एट एल रहते हैं रहती है यहाँ पर हम नेक्स्ट सीखते सेवन सेगमेंट डिस्प्ले अभी हमें सेवन हमने कीबोर्ड देख लिया डी बॉस देख लिया अभी सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे आ रहे हैं हम लोग सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का भी खुद का एक प्रोग्राम रहेगा फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम बाद में रहेगा इसके बाद ठीक है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में अभी देखो क्या क्या है फर्स्ट इज़ प्री इसमें देखो क्या है पहले जो फिगर हमने देखा था वो एक्चुअल में क्या दिखाता है हमें कॉमन एनोड सेवन सेगमेंट एलईडी ई डी इस कनेक्टेड टू पोर्ट बी थ्रू द ड्राइवर सेवन फोर एल एस टू फोर फोर मैंने बताया ना सेवन फोर एल एस टू फोर फोर डाइवर वहाँ पर यूज़ किया गया है ओके okay, उसको कनेक्ट करने के लिए दैन क्या है दिस ड्राइवर इज नेसेसरी टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी ऑफ पोर्ट बी तो देखा कि उसका कैपेसिटी ज़्यादा है ओके okay, और पोर्ट बी का कैपेसिटी कम है तो पोर्ट बी की करंट कैपेसिटी अगर बढ़ानी है हमें क्योंकि उसको बहुत सारे एल कनेक्टेड है तो वो एल के लिए करंट कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो ईच एल सेगमेंट रिक्वायर्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिली एमपेयर ऑफ करंट ओके इसलिए करंट कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी दैट्स वाई वी आर यूजिंग द ड्राइवर देयर ओके द नेक्स्ट इज अ द कोड फॉर ईच हेक्स डिजिट फ्रॉम जीरो टू एफ कैन बी डिटरमाइंड बाई एग्जामिनिंग द कनेक्शन ऑफ द डेटा लाइन्स टू द सेगमेंट्स एंड द लॉजिक रिक्वायरमेंट्स ओके तो वही है कि हर एक के लिए कोड यहाँ पे देखो जीरो टू एप के लिए जो कोड है वो कैसे हर एक के लिए अलग रहेगा ओके कनेक्शन ऑफ़ द डेटा लाइन्स टू द सेगमेंट्स एंड द लॉजिक रिक्वायरमेंट तो उसके लिए क्या लॉजिक रहेगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोडिंग में देन क्या है द ड्राइवर सेवन फोर एल एस टू फोर फोर इज एन ऑक्टल नॉन इन्वर्टिंग ड्राइवर विथ ट्राई स्टेट आउटपुट एंड करंट सिंकिंग कैपेसिटी ऑफ ट्वेंटी फोर मिलिया एमपियर ओके तो ड्राइवर जो है हमारा सेवन फोर सेवल एस टू फोर फोर वो एक्चुअल में क्या है ऑक्टल नॉन इन्वर्टिंग ड्राइवर मतलब उसमें जो आउटपुट मिलेगा वो ऑक्टल डेटा के फॉर्म में रहेगा ओके ऑक्टल डिजिट्स रहेंगे सब एंड विथ स्टेट आउटपुट उसमें देखा है आपने ये डायग्राम देखा उसमें आपको दिख ही जाएगा पूरा इसमें जो ट्राई ट्र, ट्र, स्टेट रहेंगे ओके okay. तो वो जो है ड्राइवर का इसमें देखो हमें इस तीन स्टेट रहेंगे इसके देखो तीन स्टेट है यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक आउटपुट है एक इनपुट है और एक यहाँ पे इनेबल लाइन होगी ओके इसलिए उन्होंने बोला है कि ट्राई स्टेट आउटपुट है देन नेक्स्ट क्या है एंड करंट सिंगिंग कैपेसिटी ऑफ ट्वेंटी फोर मिली वर्ड तो एक्चुअल में इस ड्राइवर का करंट सिंगिंग कैपेसिटी ट्वेंटी फोर मिलियन एमपेयर है ओके और हमें कितना चाहिए था हर एक को इंडिविजुअली फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिली एमपेयर ऑफ करंट देता है तो वो उतना ले लेगा ओके इसलिए एंड इट हैज टू एक्टिव लो एनेबल लाइन्स मीन्स आई जी वन जी एंड टू जी ऐसा दो एक्टिव लो एनेबल लाइन्स है तो लो है मीनस इसके ऊपर एक ऐसा ये आएगा डैश आएगी ओके एंड द ड्राइवर इज परमानेंटली एनेबल्ड बाई अ ग्राउंडिंग दिस लाइन्स तो मतलब जब तक ये लो नहीं होगा ये दोनों लाइन्स तब तक ये फर्क नहीं करते ओके दिन क्या इन दिस सर्किट दिस ड्राइवर फंक्शन सिंपली एज अ करंट एम्ब्लीफाइर मतलब क्या करंट एब्लीफाई का काम क्यों कर रहा है एम्बलीफाई मीन्स क्या इंक्रीज़ करना करंट को इंक्रीज़ कर तो इसमें क्या कर रहे हो करंट इंक्रीज़ करने का काम कर रहे है कैपेसिटी बढ़ा रहे है कपेसिटी बढ़ाएगा तो वो ज़्यादा करंट झेल सकता है ओके okay? उसकी कैपेसिटी तो सो वॉटर लॉजिक इज एट पोर्ट बी विल बी एट द आउटपुट ऑफ द ड्राइवर ओके मीन्स अगर पोर्ट बी को कनेक्टेड है तो पोर्ट बी में जो कुछ आउटपुट आएगा वो ड्राइवर के पास चला जाएगा ओके सो दिस इज़ द मेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में कैसे कनेक्टेड किया है वो बताया गया दे नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्ले प्रोग्राम तो इसमें सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का एक खुद का प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम देखो क्या हमें देना पड़ेगा वो यहाँ पे प्रेस किया मतलब तो जब हम लोग की प्रेस करेंगे ओके तो उसके बाद वो एक पर्टिकुलर कोड देगा ओके पोड वी को एंड उस पोड को, कोड को फिर हमें कन्वर्ट करना की, की कोड बोलते हैं उसको हो? ओके उसको बाइनरी नंबर में हमें करना पड़ेगा ओके डिस्प्ले पे दिखाने के लिए तो वो कैसे आएगा देखो दिस रूटीन टेक्स दी बाइनरी नंबर एंड कन्वर्टिड इन टू इट्स कॉमन एंड्रॉड सेवन सेगमेंट एल ई डी कोड ओके मीन सेवन LED एल okay. LED, LED के लिए भी कोड रहेगा ओके क्योंकि सेवन सेगमेंट एल में कैसे पार्ट्स से ये सेवन सेगमेंट्स में डिवाइड है एक फर्स्ट ऊपर वाला रहेगा फिर नीचे फिर यहाँ पे एक एल फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. ऐसे सात एल ई ऐसे करके टोटल करके ये एक डिजिट बनता है सेवन सेगमेंट एल का ओके तो इसलिए ये पार्ट्स में डिवाइड है तो इसीलिए इसका भी खुद का एक कोड रहेगा उस कोड को क्या नाम दिया गया है कि कॉमन एनोड सेवन सेगमेंट एल कोड इसको बोला गया कॉमन एनोड सेवन सेगमेंट एल कोड ओके तो हम लोग इसमें जो यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे सी ए कोड लिखेंगे सी ए कोड कॉमन एनोइड कोड ओके ये देखो यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट किए गए सब ओके पहले हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे कैसे है <coughs> तो इसमें इनपुट क्या रहेगा बाइनरी नंबर इन एकुमलेटर जो अभी हमारे कीबोर्ड में प्रेस करने के बाद जो पाना डिबॉल्स आया फिर उसके बाद जो नेम जो कोड मिला हमें बाइनरी नंबर ही था लेकिन वो एक्यूमेटर में था और वो वैसे बाइनरी नंबर्स को हम लोग डिस्प्ले पर नहीं दिखा सकते डायरेक्ट ओके okay, डिस्प्ले पे के लिए हमें अलग टाइप के कोड्स रहेंगे इसके कोड्स लड़े रहेंगे तो उसके साथ कन्वर्ट करना है हमें ओके okay? तो मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग सब देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होगा तो पहले देखते हैं कि इसलिए यहाँ पे क्या करना है मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ एच एल एंड ए एच एल हमने अभी लिया है एक्यूमेटर में ऑलरेडी हमारा डेटा है ओके जो हमारा कोड है एक्यूमेटर है तो Alexa code, क्या है एलेक्सा एच सी ए कोड यहाँ पे यूज़ किया है देखो मीन्स क्या होने वाला है सी ए कोड मीन्स क्या है कॉमन हैंड कोड है वो कोड हमारे एच एल पेयर में आएंगे ओके यहाँ पे तो लोड किया है हमने यहाँ पे ओके यहाँ पे लोड स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ कोड टेबल इन एच एल ओके एच एल के हमने स्टार्टिंग कोड को लोड कर दिया है ओके okay. तो एल में हमारा क्या होने वाला है सी ए कोड है हमारा कॉमन एंड कोड आने वाला है तो बाद में क्या किया ऐड एल मीन्स जो लोअर डिजिट था उसको ऐड किया एड डिजिट टू लोअर ऑर्डर एड्रेस इन एल ओके एल के लोअर जो है वहाँ पे हमने डिजिट ऐड कर लिया इसका सी ए कोड का ओके okay. देन क्या है मूव एल ए मीन्स क्या होने वाला है ए टू एल अभी मूव करेगा मीन्स <coughs> क्या एड्रेस को जो है प्लेस एड्रेस कोड इन एल तो एल में हमने वो एड्रेस को यहाँ पे प्लेस कर दिया है देन नेक्स्ट क्या है मूव ए कॉमा एम मीन्स हमारा जो मेमरी है जो एच का रहेगा ओके okay, उसको हमने फिर एक्यूमेटर में दे दिया ओके okay. मीन्स हमारा जो कोड था एल में ओके सी ए कोड हमने लिखा हुआ है ओके तो उसको हमने वापस किस में ले लिया है हमारे एक्यूमेटर में अभी ले लिया है ओके देन नेक्स्ट क्या है आउटपुट बी आउटपुट मीन्स क्या यहाँ पे आउटपुट देगा पोर्ट बी पे वो आउटपुट दे देगा जो कुछ में, हमारे अक्यूमेंट में कंटेंट रहेगा वो डायरेक्ट कोड बी पे वो शो शो कर देगा तो उसने कोड को डायरेक्ट किधर सेंड कर दिया है कोड बी पे यहाँ पे सेंड कर दिया ओके एंड देन वो रिटर्न हो जाएगा ओके तो यहाँ पे क्या है हमारे देखो इस तरह से ये प्रोग्राम मेन हो जाएगा डिस्प्ले का उसमें सी ए कोड एक्चुअल में है क्या देखो सी ए कोड में क्या है क्या कंटेंट है कॉमन एंड ऑड सेवन सेगमेंट कोड्स आर स्टोर्ड सिक्वेंशियली इन मेमरी ओके मेमरी के अंदर ही ये सब स्टोर रहेंगे मेमरी मतलब हमने यहाँ पे एच एल पेयर लिया हुआ है तो वो देखो क्या क्या है डी बी फोर्टी एच सेवेंटी नाइन एच ट्वेंटी फोर एच थर्टी एच नाइनटीन एच ट्वेल्व एच ये फॉर क्या है फॉर कोड्स फॉर डिजिट फ्रॉम जीरो टू फाइव जीरो टू फाइव के लिए ये कोड है देन सिक्स टू बी के लिए अलग कोड्स दिए होंगे गए डी बी जीरो टू एच सेवेंटी एट एच जीरो जीरो एच एटीन एच जीरो एट एच एंड जीरो थ्री एच इस तरह से और सी टू एफ के लिए भी कुछ कोड्स है तो ये सब एक्चुअल में सी ए जो कॉमन एंड सेवन सेगमेंट के लिए जो एक्सेप्टेबल कोड्स है वो है ये कोड्स डालने के बाद ही इसमें हमें डिस्प्ले पे कुछ दिखेगा ओके इसके बिना वो दिख नहीं सकता ओके देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन प्रोग्राम ओके तो अभी ये हमारा सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का तो प्रोग्राम हो गया अभी हमें तीनों हमने प्रोग्राम जो तो देखे पहले की का देखा था जिसमें की चेक किया था की पुश वो सब था ओके की की कोड एक था इनकोडिंग के लिए कीबोर्ड में देन डीबाउस देखा था डीबाउस में हमारे डीबाउस का एक अलग से कोड था देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के लिए मीन्स डिस्प्ले करके उसमें एक प्रोग्राम था वो प्रोग्राम देखा अब ये सब प्रोग्राम मिला के हमें मेन प्रोग्राम में डालना पड़ेगा मेन प्रोग्राम में ये सब हमारे सब रूटीन्स थे अभी तक दिखा तो अभी हमारा मेन प्रोग्राम तो हम अभी लिखेंगे नाउ टू मोनिटर नाउ टू मोनिटर द की बोर्ड एंड डिस्प्ले द की प्रेस्ड वी नीड टू इिशलाइज द एट टू फाइव आई पोर्ट्स एंड कंबाइन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स डिस्कसू ठीक है एट टू फाइव आई को पहले इनिशलाइज करेंगे और फिर में सब पोर्ट्स उसमें देने पड़ेंगे तो क्या है देखो की इसको नाम ही दिया है की इसलिए इस प्रोग्राम को दिस प्रोग्राम इनिशलाइज द एट टू फाइव फाइव पोर्ट्स मीन्स पोर्ट ए हमारा इनपुट था पोर्ट बी आउटपुट है इन मोड जीरो में यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन कॉज कॉस सब रूटीन मॉड्यूल्स डिस्कस प्रीवियसली द कोड तो ओके तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो देखो क्या है फर्स्ट क्या पोर्ट ए ई क्यू यू एफ सी एच एफ सी एच एड्रे एफ सी एच थे लेके एफ डी एच तक के एड्रेस हम लोग यूज़ कर रहे थे इसमें ओके पोर्ट ए में हम लोग एफ सी एच यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ई क्यू एफ सी एच ओके ई क्यू डायरेक्ट यूज है यहाँ पर यूज़ करके उन्होंने पोर्ट ए को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो यहाँ पर पोर्ट ए एड्रेस आ गया फर्स्ट में देन क्या पोर्ट बी को भी हमने एफ डी एच यहाँ पे एड्रेस यूज़ करके यहाँ पे पोर्ट बी को एड्रेसेस को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है देन क्या है नेक्स्ट कौन सा है कंट्रोल ई क्यू एफ एफ एच तो कंट्रोल रजिस्टर को देखो एफ एफ एच से हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है दैन नेक्स्ट क्या है सी एन वर्ड दैट इज़ अ कंट्रोल वर्ड तो कंट्रोल वर्ड यहाँ पे नाइनटी एच यहाँ पर लिखा है मीनस यहाँ पे नाइन्टी एच से मीनिंग क्या रहेगा मोड जीरो कंट्रोल वर्ड पोर्ट ए इनपुट है एंड पोर्ट बी आउटपुट है जैसे वो कंट्रोल वर्ड से हमें पता चले देन क्या okay. है स्टैक स्टैक में एक्चुअल में स्टैक क्या है ट्वेंटी ए एफ एच ओके स्टैक का एड्रेस है एक्चुअल में यहाँ पे स्टैक एड्रेस से स्टार्ट हो गया इस एड्रेस से देन क्या है एलेक्सा एस पी स्टैक ओके तो स्टैक पॉइंटर यहाँ पे हमने दे दिया है देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे एम वी आई ए सी एन वर्ड ओके एम वी आई ए सी एन वर्ड यहाँ पे है यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ओके okay. तो उसमें क्या क्या होगा कंट्रोल वर्ड यहाँ पे पहले रजिस्टर uh, ए में आ जाएगा ओके देन नेक्स्ट क्या है कंट्रोल यहाँ पे क्या है आउट कंट्रोल मीन जो कंट्रोल वर्ड में जो रहेगा हमने जो लिया वो अभी डायरेक्ट हमें आउटपुट में आएगा तो क्या है सेटअप पोर्ट ए इन मोड वन तो इससे क्या हो जाएगा मोड वन में पोर्ट ए का सेट हम लोग ये कर रहे हैं सेट कर रहे हैं देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा कॉल की चेक मीन्स यहाँ पे की चेक का प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो जाएगा ओके कंट्रोल वर्ड के तक की प्रोसेस हो गई अभी अभी नेक्स्ट क्या हो गया की चेक का स्टार्ट हो गया तो यहाँ से हमारा मेन अभी देखो प्रोग्रामिंग की चालू होगी तो यहाँ पे की चेक की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी देन की चेक हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा वो की कोड करेगा कीपोर्ड करेगा कीचे के तो कीचे के अंदर ही डिपाउंस का भी हमने लिखा हुआ है तो यहाँ पर डिपाउंस का भी प्रोग्राम पहले कर लेगा फिर तो उसके बाद वो की में आएगा ओके की कोड कर देगा की कोड करने के बाद क्या करेगा वो जाएगा इनकोडिंग का प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा की में देन वो हमारे सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे आएगा ओके okay? मीन्स यहाँ पे कॉल डिस्प्ले लिखा हुआ है यहाँ पे मतलब सेवन सेवन डिस्प्ले लिखा हुआ है डिस्प्ले कीप्रेस्ट तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा ओके okay? देन वो क्या करेगा जम करेगा जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा वापस की चेक पे जाएगा जंप नेक्स्ट की मीन्स वापस ने, ये नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट के वाई तो यहाँ पे ये वापस चला जाएगा मीन्स ये कर, ये प्रोसेस वो कंटिन्यू करते जाएगा ओके okay, ऊपर का वो नहीं करेगा ओके okay, तो हमें यही इम्पोर्टेंट है इसलिए वो इसको इंक्लूड करते जाएगा ओके सो यही हमारा मेन प्रोग्राम है सो नाउ वी हैव वी कंप्लीटेड आवर दिस टास्क ऑफ़ द इंटरफेसिंग दी कीबोर्ड एंड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले टू एट टू फाइव फाइव ए इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है सो आई होप यू हैव क्रिएट ऑल दिस टॉपिक अबाउट दिस सीरीज दिस लेक्चर सो थैंक यू वेरी मच